हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सब अपने अपने कामों में बिजी होंगे, तो आज हम भी काम में लग रहे हैं। ये बिल्लू है, बिल्लू भी देखो नहात के तैयार हो गया है। और आज बिल्लू दूसरी बार नहा रहा है दोपहर में, क्योंकि सुबह तो स्कूल चला गया था। स्कूल से आने के बाद में अब अब नहा रहा है और अब इसको नहीं लाया है मैंने। तो ट्यूशन जाना, अच्छा ट्यूशन जाने के लिए कर रहा है कि मम्मी ट्यूशन जाना है। चलो तो भाई, बिल्लू का शाम का टाइम है, ट्यूशन जाएगा और हम करते हैं काम। देखना आज शाम को टाइम तो अभी नहीं हुआ है, हुआ तो अभी तो 11-12 ऐसे ही बजे हैं टाइम भी। पर ये कह रहा है कि मुझे ट्यूशन के लिए नहीं ला रहे हो मम्मा। मैंने कहा ठीक है बेटा, ट्यूशन के लिए नहा ले। तो अभी नहा के बिल्लू तैयार हो गया है, बिल्लू को कपड़े वपड़े पहना लेती हूँ। और आज हम बता रहे हैं आपको, आज है 28 तारीख। तो 28 तारीख है, हम कर रहे हैं गांव जाने की पूरी तैयारी, क्योंकि कल हमें सुबह गांव निकलना है। तो आज हम देखना गांव की क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। और हमारा ये ब्लॉग आज का बड़ा ही दासू और इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप सब ज़रूर देखें। और जो भी मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो अपना सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो ये देखो, बिल्लू को मैंने कपड़े वपड़े पहना रही हूँ, इसको कर दूँगी तैयार। उसके बाद में मैं आगे की प्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है, कल गाँव जाना है। तो आपको पता है बैग भी लगाना पड़ेगा और भी कुछ छोटी मोटी मेरे से संबंधित भी तैयारी करनी पड़ेगी, मेहंदी वगैरह भी लगानी पड़ेगी। और क्या बोलते हैं, अपने कपड़े लत्ते भी धोने हैं, करना एडजस्ट करना, खाना पीना रखना, घर में घी भी निकालना। मेरे पास मलाई रखी है, वो घी भी निकाल के जाऊंगी, क्योंकि फिर फ्रिज बंद करके जाएंगे तो वो ख़राब होने का चांस रहता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा निला दिया, ये गर्मी में हो रहा था तो मैंने इसको निला के और इसको थोड़ा फ्री कर देती हूँ। उसके बाद में मैं अपना काम में शुरू हो जाती हूँ, ताकि इसकी कटिंग वटिंग करवाई थी तो बाल भी इसके ऐसे ही हो रहे थे, तो इसको कर दिया है मैंने तैयार। अब ये कर रहा है बाय की, अब ये तो हो गया है तैयार, अब इसको कर दूंगी मैं साइड में और अपने कामों में लग जाऊंगी। ये देखो फ्रेंड्स, दोपहर के बज चुके हैं 3 और अब मैं लगा रही हूँ सारा काम, घर का काम करके जल्दी जल्दी फिनिश करके घी भी निकाल के और मैं लगाने लग गई हूँ मेहंदी, क्योंकि हाथों पर तो रात को भी लगा लूँगी, क्योंकि हाथों से तो अभी काम करना है बहुत सारा, तो रात को लगाऊंगी। और मैंने सोचा पैरों पे लगा लेती हूँ, कई दिन हो गए, तीजों पे भी नहीं लगा पाई थी, पैरों पे हाथों पे तो लगा ली थी फिर भी, तो मैंने सोचा आज लगा लेती हूँ। और आज फ्रेंड्स मेरी ये मेहंदी आप ज़रूर देख के बताना कि आपको कैसे लगे। मैं आज हटके डिज़ाइन लगा रही हूँ, बेल भी लगा लेती हूँ, वैसे फूल सा बना करके भी लगा लेती हूँ, पर आज मैंने अलग डिज़ाइन से देखा, क्यों कईयों के पास देखा मैंने यूट्यूब पर। ये देखो बर्ड्स है, ये क्या बोलते हैं, कान साफ करने के, आज मैं इससे मेहंदी लगा रही हूँ। तो आप फ्रेंड्स सब देख के और मुझे बताना कि ये मेरी आज की मेहंदी कैसी लगने वाली है, क्योंकि मैंने बेल वगैरह तो कई बार लगा चुकी हूँ, तो मेरा मन सा भर गया था, तो मैंने सोचा कि आज अपन भी ऐसे लगाते हैं और जल्दी से बन जाएगी। ये देखो, तो मैंने ऐसे लाइन से लेयर सी बना के और उस पर डॉट डॉट रखे, डॉट डॉट रखने के बाद में मैंने ये बर्ड से देखो इसको नीचे ऐसे फैला दिया, तो बिल्कुल अच्छी लग रही है, इसमें इतनी अच्छी लग रही है ना, ओरिजिनल देखो तो इससे भी अच्छी लग रही है और जल्दी जल्दी फटाफट से बन रही है। तो ये देखो इधर की इतनी जल्दी बन गई, अब इधर की भी मैं जल्दी से बना लूँ, क्योंकि आज मैंने बता ही दिया आपको, गांव जाते हैं आते हैं तो भी इतना ही काम फैलता है और जाते हैं तो भी इतना ही काम फैलता है। तो आज मेरा बहुत सारा काम फैल रहा है, क्योंकि कपड़े लत्ते भी धोने, बहुत काम है। अभी बिल्लू के पापा आ जाएंगे तो चाय पानी बनाना, फिर शाम को टाइम में लगेंगे काम में, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में, एडजस्ट करके जाना पड़ेगा क्या क्या करना है। सुबह हमें जल्दी निकलना है, सुबह इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। तो इस चक्कर से आज मैंने अलग डिजाइन से, हट के डिजाइन से मैंने मेहंदी लगाना शुरू करा है। मैंने सोचा कि ये मेहंदी जल्दी सी तैयार हो जाएगी, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, दोनों साइड की बन गई है और अभी इसके ऊपर की भी ऐसी डिजाइन में बना दूंगी, ताकि और फिर लग के देखना आप, इतनी अच्छी और बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, तभी तो मैंने ये लगाई। मैंने सोचा आज सिंपल सी है तो जल्दी से लग जाएगी, तो इसलिए मैंने ये लगा ली। तो फ्रेंड्स आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी मेहंदी आपको कैसी लगने वाली है।
तो यही काम था। और फ्रेंड्स आज मैं आपको बता देती हूँ, गांव जा रहे हैं तो 4-5 दिन के लिए हम गांव जा रहे हैं, तो गांव से हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट, गांव की लाइफ, गांव के हमारा खाना पीना रहना सहना, मतलब ससुराल में भी जाऊँगी मायके में भी जाऊँगी, दोनों जगह हम बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप मेरे ब्लॉग ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करना, लाइक करना और कमेंट भी करना कि हमारा गांव का रहन सहन ये आपको कैसा लगा। आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको हमारे गांव का कल्चरल अच्छा लगता है या शहर में रहना अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है। गांव का हमारा जाते ही सब कुछ बदल जाएगा, यहाँ तो हमारा खाना पीना भी अलग ही होता है, रहना सहना भी अलग ही है, वहाँ पे अलग ही अपना ने कल्चर के हिसाब से खाना पीना रहना। तो इस तरह से आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा गांव का ब्लॉग, एक से बढ़ के एक ब्लॉग आएंगे और सब अपना अपना सपोर्ट ज़रूर करना। ये देखो फ्रेंड्स एक पैर की तो बिल्कुल पूरी रेडी हो गई है, इसके ऊपर फिर से मैंने एक लाइन सी बना दी है और ये नीचे की साइड में अंगुलियों की तरफ ये रह गई थी जगह, इसमें मैंने एक छोटी सी बेल सी बना के उस पर पत्ती सी निकाल दी और इधर ये नाखूनों पे और आगे भी मैंने लगा लिए हैं पैर वे जिनको बोलते हैं, तो ये भी मैंने लगा लिए हैं। बीच में इधर बिल्लू भी कर रहा है कि मेरे भी लगाओ मम्मा, तो ये भी देखो हाथों पैर लगवा के बैठा है, अभी ये जिद कर रहा है कि मेरे पैरों पे भी, मम्मी पैरों पे क्यों लगा रही है, मेरे भी लगाओ। तो मैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है ना इस चक्कर से। और इधर देखो मैंने एक पग तो मेरा रेडी हो गया है, अब दूसरा पैर पे लगा रही हूँ, तो ये देखो जल्दी भी बन जाती है और लगने के बाद में बहुत अच्छी लग रही है। नहीं लगते टाइम पे भी देखोगे ना आपको इसमें इतनी अच्छी लग रही है, इससे अच्छी उसमें लग रही है। तो जिनको पसंद आई हो तो मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, तो वो भी एक बार ऐसे लगा के कोशिश ज़रूर करना। तो ये मेरी मेहंदी तो पूरी हो गई, अब बज गए हैं शाम के 4, मिल्लू के पापा आने वाले हैं ड्यूटी से, तो मैं आज सेक रही हूँ मूँगफली क्योंकि आज सोमवार था, फास्ट था, तो मैं भी सोची कि चाय के साथ में थोड़ा बहुत खा लेंगे, पूरे दिन काम में बिजी थी कुछ खा भी नहीं पाई और फास्ट में वैसे भी कम खाया जाता है और चाय अकेली पीने की आदत नहीं है हमें, आपको पता ही है कुछ ना कुछ चाय के साथ ज़रूर रखते हैं। तो आज फास्ट था, मैंने सोचा फास्ट में क्या रखेंगे, तो मैंने मूंगफली रखी थी, ये मेरे भाई आया था ये लेके आया था बिल्लू के लिए, मामा लेके आए थे मूंगफली, तो ये रखी हुई थी, मैंने 2-3 बार सेक ली इसमें से थोड़ी थोड़ी, तो ये रखी आज। फिर मैंने सोचा ऐसा ही थोड़ा मौसम ठीक सा है, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा ठंडक भी नहीं है, तो मैंने ये मूंगफली सेक ली है। तो आप भी फ्रेंड्स ज़रूर बताना कि आप किस तरह सेकते हो, मैं तो यहाँ पे तवे पे सेक रही हूँ, अपने गांव में तो कढ़ाई में सेकते हैं बजरी डाल के, उबालू मिट्टी या बजरी डाल के, बहुत ही अच्छी, गांव की तो आपको पता है खाना पीना बहुत अलग है, गांव में तो मूंगफली भी इतनी अच्छी लगती है, वो जब मूँगफली उखाड़ते हैं और उस टाइम पे उनमें सेकते हैं ना बजरी में, कितनी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखो अब गांव का तो क्या कहना है, पर यहाँ देखो ये मैंने कर ली है तैयार। अब देखो अभी इतना जल्दी जल्दी कर रही हूँ काम में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब ये बैग लगाने में लगी पड़ी हूँ कि क्या करें, अब शाम का टाइम हो गया, मैंने सोचा जल्दी जल्दी करो भाई बहुत सारा काम है। अब मैं इनमें ये कपड़े लते कुछ तो डाल दिए थे और कुछ और याद आता ही रहेगा, जब तक हम निकलेंगे नहीं ना तब तक याद आता ही रहेगा। अब ये 2-4 बिस्किट के पैकेट थे वे डाले, इनका छोटा बाबू भी है हमारा घर पे, बिल्लू की चाची का, और हम भी हैं, बिल्लू भी खा लेगा, इनके बुआ जी के बच्चे बच्चे आएंगे वो भी, और भी बच्चे बच्चे खा लेंगे, तो मैंने 2-4 बिस्किट के पैकेट रख दिए हैं और ये बिल्लू के कपड़े रख दिए हैं। एक गुलकोंडी का पैकेट लिया कि गांव में पानी वानी बनाने के लिए चाहिए, तो मैंने सोचा वहां जाते ही कहां से लेंगे, तो हम यहीं से लेके रख लेते हैं। और कुछ कपड़े वगैरह ये मैंने कुछ तो कल रखे थे, आज फिर मुझे धीरे धीरे याद आ रहे हैं ना, जैसे जैसे देखो एक एक कपड़े निकाल रही हूँ, कभी बिल्लू के निकल रहे हैं कभी बिल्लू के पापा के। और ये देखो बिल्लू अपनी मेहंदी दिखा रहा है, बिल्लू भी आज मेहंदी लगा के तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो गांव का ही आने वाला है।